कैटी भाभी जी के कैटी गाइस बहुत ही अच्छा लगा। तो है गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज अभी सुबह के बज रहे हैं 9:15 एंड गाइज अभी मैं नहा वाकर सो बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ। और गाइज आज मैं आप लोग से बताता, आज बहुत खुशी की बात है गाइज, हमारे चैनल को बनाए हुए आज 2 साल कंप्लीट हो गया एंड गाइज बहुत ही अच्छा लग रहा। 2 दिन पहले ही कंप्लीट हो गया था गाइज, लेकिन आप लोग तो जान रहे हैं मैं गोरखपुर में था एंड गाइज आज का खुशी मिल रहा जो आप लोग ने प्यार दुलार देकर भाई को इतना आगे बढ़ाए। और गाइज आप लोग ने भी पार्क में अपने भाई को बहुत प्यार दुलार दिया। जाएंगे मार्केट से केक लेकर आएंगे और आज पूरे फैमिली से केक कटवाएंगे और गाइज छोटा सा खुशी अपने परिवार के साथ मनाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं गाइस इधर मेरा प्यारा सा बेटा रितेश। ओ गाइस चाचा मिटक में लाइन लेकर गए थे, मुझे जाने के मन कर रहा था। चलो अगली बार लेकर चलेंगे बेटा आपको। और गाइस इधर दादाजी हैं। दादाजी प्रणाम। खुश रहिए बच्चे, खुश रहिए। और भाई साहब यहाँ देखिए हमारे प्यारा सा बेटा का नया एक्टिंग। बेटा गुड मॉर्निंग बोल दो। छोटू कलर कहाँ से लगा बेटा? होली खेले। तुम क्या कर रहे हो जी? प्रणाम। अच्छा को फटाफट पार कर रहे हैं। बुझ गया बाल। और गाइज यहाँ पे देखिए भाभी जी अभी कैसे बर्तन मांज रही हैं। इधर मेरा बेटा गुड मॉर्निंग। भाई साहब इधर आ गई मम्मी जी, मम्मी जी को प्रणाम करते हैं। खुश रहा बाबू। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम तो चल गए सुबेरे खेत में, तो प्याज लगाई है उसको खोर निकालने, तो अब घर पर आ गई है तो हम जा रही है घर का सफाई करेंगे। तो गाइज अभी मम्मी जा रही है पूजा करने, आज बहुत लेट हो गया ना मम्मी? बहुत लेट हो गया, हम तो चल गई है खेत में। तो भाई साहब अभी देखिए बैगन फरना स्टार्ट हो गया, इधर मम्मी जी करेला भी लगा दी हैं। बच्चे हम तक पूजा कर चुकी, माता रानी भोलेनाथ से दुआ मांगती हैं हमारे बच्चे खूब कुशल मंगल से रहें, खूब सुखी रहें, हमारे बच्चे सब पढ़ लिख कर आगे बढ़ा, सरस्वती माता ज्ञान दे। भाई सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट निकल गया। तो भाई साहब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और आज तो चोखा खाने के लिए मिला दाल के साथ चोखा। तो गाइस अच्छा लगता है, फेवरेट है मेरा, दाल के साथ चोखा मिल जाता है तो खाने में भी मजा आ जाता है। तो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका और अभी दूध पीने जा रहे हैं। और इधर गाइस छोटू का निकल चुका। तो गाइस छोटू चावल निकाल लिया। गाइस हमारे घर का रखवाला का देखिए रितेश उसके साथ खेल रहा। क्यों बांध रहे बाबू, खोल दो। तो गाइस पिल्ला कोई बांध दिया था, खोल दिए। तो गाइस आप कुत्ता को मारा मत करिए, तबीयत खराब हो गई। साहब छोटू हो गया गुस्सा, इतना बड़ा ईंट उठाया। जगह बेटा क्यों गुस्सा हो गया बताओ। तो गाइज होली आ चुका है, पूरी घर की सफाई हो रही है, यहाँ पे कपड़ा मम्मी जी रख दिया और गाइज बर्तन वगैरह लोग धुल के रात में ही पूरा घर लिप दिया मम्मी जी। और गाइज यहाँ पे छोटू बना रहा खाना। कौन खाएगा बेटा? तो भाई साहब आप लोग को बता दें आज आई थिंक मुझे लगता है कि मेरा गैस खत्म हुए 1 महीना हो गया था और मम्मी जी पैसा का जुगाड़ कर दिया। आज भरा जाएगा, आज भरा जाएगा गैस बच्चों। पूरा हम लोग घर लिप दिए हैं, देखो हमारा घर कैसा है लिप दिए हैं। तो ऐसा अपना जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर गैस उठाया है। भाई साहब अभी गैस भराने जा रहे हैं, सिलेंडर को उतारते हैं। हट जा। मम्मी एक बोरा दे दीजिए, इसको यहाँ पे करो। तो गाइज अभी गैस को लोड कर दिए हैं बाइक पे, इधर दिलीप भाई साथ देने के लिए आ गए एंड गाइस पैसा वगैरह ले चुके हैं, गैस भरा कर लाएंगे, उधर से केक लेकर आएंगे। तो भाई साहब चौराहा पे आ चुके हैं एंड गाइस गाड़ी आई नहीं है, तो एक आंटी का घर है वहाँ पे गैस को रख दिया है। गाड़ी जैसे आ जाएगी तो भैया दे देंगे, बात भी हो गया उनसे। गाइज अभी हम लोग निचलौल आ चुके हैं और भूख लग गई है, तो गाइज यहाँ से हम लोग खाने वाले हैं समोसा और क्या छोला समोसा भाई अम्बे स्वीट हाउस का फेमस। अगर आप लोग निचलौल में आते हैं तो जरूर आइए विजिट कीजिए, छोला समोसा गाइज एकदम फेमस है। गाइज अभी हम लोग नाश्ता वगैरह कर चुके और अंकल जी है जो कि बहुत ही मजा लाते हैं, हमेशा मजा लाते हैं, तो यहाँ पे कुछ खिलाने वाले हैं।
क्या चीज है? इमली है। हाँ तो अंकल जी बोल रहे हैं कि ये मीठा लगेगा, एंड गाइस हम बोले हैं कि नहीं इमली तो कभी मीठा हो नहीं सकता है, तभी हम लोग ट्राई करते हैं। भाई तो भाई साहब आज तक तो हमने खट्टा इमली खाया था बट मीठा इमली नहीं खाया था, आज खाकर ट्राई मारते हैं। सही है तो खट्टा खट्टा हल्का। तो गाइस मैं आप लोग से बता दूं खट्टा है बट बहुत कम, इमली तो खट्टा रहता है एक्चुअली में बस थोड़ा सा है। तो गाइज अंकल जी दिखा रहे हैं केक, अभी कितना प्राइस है इसका? तो गाइज केक पैक हो चुका और अभी निकलना है। सब अभी केक लेकर आ चुका हूँ घर पे। तो बेसिकली गाइज केक वगैरह पूरा हम अच्छी तरीके सजा दिए और हमारे इधर सारी बाबू लोग आ गए और गाइज इधर आ गया, इधर सारी बच्चे लोग हमारे घर के आसपास के आ गए। तो गाइज हर बार केक हम लोग काटते हैं, हम काटे हैं, मम्मी जी काटी है और आज भाभी जी कटा जाएगा। नहीं मम्मी उसे केक काटेंगी। तो गाइज आज जा रही है भाभी जी फर्स्ट टाइम केक काटने और गाइज ये सब हुआ है आप लोग के प्यार दुलार से हुआ है। और गाइज मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत किया हूँ, 2 साल से अपने यूट्यूब चैनल पे लगा था गाइज, तो फाइनली गाइज आज वो घड़ी दिन आ गई है, 2 साल कम्प्लीट हो गया, सोचा हूँ गाइज सेलिब्रेट करना। तो गाइज सब लोग इकट्ठा जैसे हुए तो बाबू ऑटोमेटिक भाभी से पहले ही केक काट दिया। नहीं मम्मी जी लीजिए इसको बारिये, इसको बारिये, इसको बारिये, मम्मी सिखाइए भाभी को, इसको बारिये। इनका भी सपना होता है ना गाइज केक काटने के लिए। तो गाइज हमारी सारी फैमिली लोग जा रहे हैं केक काटने और समझिए आप लोग भी काट रहे हैं गाइज, आप लोग से भी कटवा रहे हैं। तो पकड़िए, पकड़ो बाबू, सब लोग पकड़ो। और गाइज भाभी जी भी पहली बार केक काट रही हैं। ये फूफी भाभी जी केक काट रही गाइज, बहुत ही अच्छा लगा। केक कट चुका है, भाभी जी केक काटी। तो सबसे पहले गाइज केक आप लोग खा लीजिए गाइज। और गाइज आज बहुत खुशी हो रही है गाइज, मैं आप लोग को क्या बताऊं, मैं मेहनत किया हूं, मैं मानता हूं गाइज मैं मेहनत किया हूं और आप लोग सपोर्ट किए हैं तब हो पाया गाइज ये नहीं हो पाता। मैं इतना दिन से गाइज मेहनत करता हूं, बहुत लोग ने मुझे क्या बोला, बहुत सारे ऐसे लोग मुझे क्या बोले कि ये वीडियो बनाता है अपने पूरे फैमिली को दिखाता है, ऐसे करता है वगैरह वगैरह। तो उन चीजों को झेलते हुए मेरा 2 साल कम्प्लीट हो गया और गाइज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मैं ऐसे काम करता रहूंगा। बस आप लोग अपने भाई को प्यार दुलार आशीर्वाद बनाइएगा गाइज, और आप लोग नहीं बनाएंगे तो आपका भाई कैसे आगे जाएगा। तो सारी क्रेडिट आप लोग को पड़ती है। लीजिए, खुश रह बाबू, खूब सुखी रह, खूब सुखी रह बच्चों, आप लोग का प्यार दुलार से हमारे घर ये तो काम हो रहा है। बाबू को गाइस खिला दिए भाई, बाबू खिला दिए लीजिए। हम तो बच्चे सबसे ये कह रही हैं कि ऐसा बच्चे सपोर्ट करो कि हमारा दीपू बाबू अपना जिला महाराजगंज जिले के रहने वाले हैं, अपन जिला टॉप कर दें बच्चों, आप लोग ऐसा सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, तभी ना केक खाने के लिए मिलेगा बेटा, लो खाओ। तो गाइस इस ब्लॉग को हम यही पेंट कर देते हैं, बाकी अपना प्यार दुलार आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाएगा जितने हमारे दीदी मम्मी पापा बहन लोग देख रहे हैं, आप लोग की प्यार की जरूरत है। गाइस आप लोग कहते हैं कि दीपू भाई आप लोग आपसे बात करना, कैसे बात होगा? तो गाइस ये दिख रहा है मेरा इंस्टाग्राम आईडी दीपू चौधरी 38, आप लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर बात हो जाएगा। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। और आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का